आज के इस वीडियो का टॉपिक है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है, कैसे वैक्यूम की हेल्प से हम आर को एक्सटिंग्यूश करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ऑयल सर्किट ब्रेकर में देखा था कि ऑयल की हेल्प से हम कैसे आर को एक्सटिंग्यूश करते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वैक्यूम की हेल्प से हम कैसे आर को एक्सटिंग्यूश करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यह है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो कि स्नाइडर इलेक्ट्रिक कंपनी का है। ठीक है, सामने आपको एक पुश ऑफ स्विच और एक पुश ऑन स्विच आपको दिख रहा है जिसकी मदद से हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको खोलेंगे तो हमें इसके अंदर बहुत सारा पार्ट हमें देखने को मिलेगा तो जो कि फॉल्ट करंट को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये जो सर्किट ब्रेकर है ये आप मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हो, ऑटोमेटिक भी ऑपरेट होता है। जो मेन जो चीज़ है वो है इसका पीछे का, ये चीज़ है मेन, इसके अंदर सब कुछ होता है, जो सर्किट जो होता है इसके अंदर ही ऑपरेट होता है। यह वैक्यूम इंटरप्टर एक काम कैसे करता है वो हम आगे देखेंगे। इसके 6 टर्मिनल आपको दिख रहा है, इससे क्या होता है आर फेस इन होता है एंड आर फेस आउट होता है एंड इसके बीच में ही फेस को कट आउट करते हैं। हम कैसे कट आउट करते हैं वो हम आगे देखेंगे। अगर हम इसको खोलेंगे तो हमें इसके अंदर से कॉन्टैक्ट देखने को मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट, वो करंट इसके अंदर से ही फ्लो होगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। ये मीडियम वोल्टेज के लिए एंड हाई वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। सब स्टेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, यहाँ पर ये यूज किया जाता है। जहाँ पर मीडियम वोल्टेज होता है और हाई वोल्टेज जहाँ पर होता है वहाँ पर हम इसे यूज करते हैं। मीडियम वोल्टेज के लिए हम 3 kV से लेकर 36 kV के बीच का जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है उसे हम यूज़ करते हैं। हाई वोल्टेज के लिए 72 kV से लेकर 245 kV के बीच का जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है उसे हम यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर जो मेन चीज़ मैंने आपको बताया कि वैक्यूम इंटरप्टर, अब इसे हम समझते हैं। अगर ये समझ गए तो भाई सब कुछ समझ जाओगे। अगर हम वैक्यूम इंटरप्टर को पास से देखेंगे तो हमें इसके अंदर एक कॉन्टैक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक फिक्स एंड है। ठीक है, ऊपर का जो टर्मिनल है, मैं आपको टर्मिनल बताता हूँ, आपको आसानी से समझ में आएगा। जो ऊपर वाला जो टर्मिनल है इसे हम फिक्स एंड कहते हैं, नीचे वाला जो टर्मिनल है ये मूवेबल एंड है, मतलब ऊपर वाला जो फिक्स एंड ये फिक्स रहेगा। ठीक है, ये स्टेशनरी है, लेकिन जो नीचे वाला है ये मूव हो सकता है, करंट इसके अंदर से फ्लो होता है। ये जो आपका इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट है ये कॉपर से बना होता है। ठीक है, क्योंकि कॉपर गुड कंडक्टर है करंट के लिए एंड ये बिल्कुल वैक्यूम्ड होता है, मतलब इसके अंदर कोई भी हवा कुछ भी नहीं है, कोई भी एयर इसके अंदर नहीं होता, ये अंदर से बिल्कुल वैक्यूम है। इसके अंदर का प्रेशर बहुत लो होता है। अब मान लो कुछ देर के लिए मान लो इसके अंदर कुछ भी वैक्यूम क्रिएट नहीं है, कुछ भी नहीं, इसके अंदर हवा और सब कुछ है। अब जैसे ही इसके अंदर से मान लो आप करंट भी फ्लो हो रहा है, हाई करंट फ्लो हो रहा है, अब मैं क्या करूंगा, मूवेबल जो कॉन्टैक्ट है उसे नीचे खींचूंगा, मतलब जो फिक्स कॉन्टैक्ट है उसके साथ मैं अलग कर दूंगा। तो क्या होगा, जैसे ही मैं अलग करने की कोशिश करूंगा, इन दोनों के बीच फिक्स कॉन्टैक्ट एंड मूवेबल कॉन्टैक्ट के बीच में एक आर्क प्रोड्यूस होगा। जैसे ही आर्क प्रोड्यूस होता, आर्क क्या करता, आसपास के जितना एयर है सबको आयोनाइज करता। ठीक है, अब जैसे ही आसपास के जो एयर है सब आयोनाइज जैसे ही हो जाता तो क्या होता, आर्क को एक पाथ मिल जाता कि आर्क फिक्स कॉन्टैक्ट से मूविंग कॉन्टैक्ट में फ्लो होने के लिए एक पाथ मिल जाता। ठीक है, जैसे ही पाथ मिल जाएगा आर्क बहुत टाइम तक रहेगा, लेकिन अगर आर्क बहुत ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो एक खतरा है, क्योंकि आर्क का टेम्परेचर मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा होता है। जितना टाइम तक आर्क रहेगा आसपास के इक्विपमेंट को डैमेज करने के लिए खतरा उतना ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए इस आर्क को एक्सटिंग्यूश कम टाइम में करना ज़रूरी है। आर्क को एक्सटिंग्यूश करने का बहुत तरीका है, जैसे कि ऑयल सर्किट ब्रेकर की मदद से हम कर सकते हैं, या सर्किट ब्रेकर की मदद से हम कर सकते हैं, वैसे ही वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की मदद से हम कर सकते हैं। आप समझते हैं कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है। देखो, इसके अंदर कोई भी एयर नहीं है, ये बिल्कुल सील्ड होता है, मतलब बाहर से कोई भी हवा इसके अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, इसके अंदर कोई भी हवा नहीं होता, ये बिल्कुल वैक्यूम्ड होता है। अब जैसे ही मान लो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट है, ठीक है, अब जैसे ही मैं मूवेबल कॉन्टैक्ट को नीचे खींच रहा हूँ, तब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक आर्क प्रोड्यूस हो रहा है। आर्क एक प्रोड्यूस होगा, एक सर्टेन टाइम के लिए आर्क प्रोड्यूस होगा, लेकिन मूवेबल कॉन्टैक्ट एक सर्टेन डिस्टेंस तक जैसे ही पहुँच जाएगा ये आर्क तुरंत बुझ जाएगा। क्यों बुझ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हवा नहीं है, आर्क को फ्लो करने के लिए कोई पाथ नहीं मिल रहा, कोई भी आयोनाइज पाथ नहीं मिल रहा। यहाँ पर अगर हवा होता तो क्या होता,
ये जो आर्क होता वो क्या करता, इसके आसपास जितना एयर होता सबको आयोनाइज करके उस आयोनाइज पाथ के अंदर से फ्लो होता। लेकिन यहाँ पर तो हवा है ही नहीं, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक सर्टेन टाइम के लिए आर्क प्रोड्यूस होगा, तुरंत बुझ जाएगा। जैसे ही आर्क प्रोड्यूस होगा उसके कुछ देर बाद ही आर्क एक्सटिंग्यूश हो जाएगा, मतलब आर्क बुझ जाएगा। एंड ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर बहुत ही रिलायबल होता है, इसका मेंटेनेंस बहुत कम करना पड़ता है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ऐसे ही आर्क को एक्सटिंग्यूश करता है, ऐसे ही वैक्यूम सर्किट ब्रेकर काम करता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर भी आर्क को एक्सटिंग्यूश करता है, लेकिन उसका काम करने का तरीका अलग है। अगर आपको ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में जानना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जाओ उस लिंक पे क्लिक करो और ऑयल सर्किट ब्रेकर कैसे आर्क को एक्सटिंग्यूश करता है वो देखो। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए सही है तो नीचे वाला जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दो, क्योंकि मैं जैसे ही नया वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा।